कन्वेयर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड। कोई भी कन्वेयर सिस्टम एक मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है जो कि मटेरियल्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करने के लिए काम में लिया जाता है। कन्वेयर्स जो होते हैं स्पेशली यूजफुल होते हैं उन एप्लीकेशंस के लिए जहाँ पर बहुत ही हैवी मटेरियल और बल्की मटेरियल्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना रहता है, इधर से उधर ले जाना रहता है। जो कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी तरीके का बहुत ही वैरायटी ऑफ मटेरियल्स जिसका हैंडलिंग करते हैं और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ कन्वेयर्स, बेल्ट कन्वेयर्स, बकेट कन्वेयर्स, स्क्रू कन्वेयर्स और न्यूमैटिक कन्वेयर्स, ये चार तरीके के कन्वेयर्स किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं कन्वेयर सिस्टम, वो बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। और जैसे कि कुछ बेनिफिट्स में से हो सकते हैं हमारे कि भाई जो कन्वेयर्स होते हैं वो बहुत ही सेफली मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो लेबर रहता है, जो लेबर का कॉस्ट है वो भी एज़ कम्पेयर कम हो जाता है। वो कहीं भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं किसी भी जगह पर और बहुत ही सेफ़ होते हैं, इसके बजाय कि हम फोर्कलिफ्ट का या फिर किसी और मशीन का यूज़ करें। उसके कंपैरिजन में कोई भी कन्वेयर बहुत ही सेफ़ होता है। ये किसी भी शेप का मटेरियल लिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी शेप हो गया, कोई भी साइज़ हो गया, किसी भी वजन का मटेरियल ये लिफ्ट कर सकते हैं। और इसको हमें कन्वे करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम से हम इसे कन्वे कर सकते हैं, मैकेनिकल हो गया, फुली ऑटोमेटेड सिस्टम्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हम अपने कन्वेइंग सिस्टम को मूव कर सकते हैं। जो कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए गए हैं, जैसे कि माइनिंग हो गई, ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चरल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एयरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, बॉटलिंग, कैनिंग, प्रिंट फिनिशिंग और पैकेजिंग। इस तरीके से काफ़ी सारी ये हमारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो जो हमारे टाइप्स ऑफ कन्वेयर्स जो है, हमारे मोटा मोटे हमने चार ही कंसिडर किए हैं, बेल्ट कन्वेयर, बकेट, स्क्रू और न्यूमैटिक। इसमें हो सकते हैं हमारे एयरो मैकेनिकल कन्वेयर्स, ऑटोमेटिव कन्वेयर्स, बेल्ट ड्रिवन, बेल्ट कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, चेन ड्रिवन, लाइव रोलर, ड्रैग कन्वेयर, डस्ट प्रूफ, फ्लेक्सिबल, ग्रेविटी कन्वेयर, ग्रेविटी स्केट व्हील कन्वेयर्स, ओवरहेड आई बीम कन्वेयर्स, ओवरलैंड कन्वेयर्स, वाइब्रेटिंग कन्वेयर्स, वायर मेश कन्वेयर्स, स्पायरल कन्वेयर्स, स्क्रू और ऑगर कन्वेयर, न्यूमैटिक कन्वेयर, प्लास्टिक बेल्ट कन्वेयर, फार्मास्यूटिकल कन्वेयर एंड मैनी मोर। तो इस तरीके से बहुत तरीके के ये कन्वेयर्स हो सकते हैं। बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टली या फिर इंक्लाइंड प्लेस जो मोटर होती है वो ड्राइव करती है रोटेटिंग बेल्ट्स और पुलीज को, जो कि कन्वे किया जाता है जो कि कन्वे करती है सॉलिड मटेरियल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जो कि फीडिंग पॉइंट से डिस्चार्ज पॉइंट तक। तो हॉरिजॉन्टली और इंक्लाइंड प्लेन प्लेस्ड मोटर ड्रिवन रोटेटिंग बेल्ट ऑन पुलीज कन्वेज द सॉलिड मटेरियल फ्रॉम फीडिंग पॉइंट टू डिस्चार्ज पॉइंट। कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी भी बेल्ट कन्वेयर में वो होते हैं लॉन्ग कंटिन्यूस बेल्ट जिसपे हमारा मटेरियल रेस्ट करता है, रोल्स या फिर रोलर्स हेल्ड बाय द फ्रेम्स या फिर आइडलर्स, बेल्ट ड्राइव एंड पावर सप्लाई और पेरिफेरल डिवाइसेस जो कि है हमारी फीडिंग और डिस्चार्ज, जो पेरिफेरी पे लगी रहती है, एक तरफ से फीडिंग होती है और दूसरी तरफ से डिस्चार्ज। ये हमारा नॉमेनक्लेचर कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल बेल्ट कन्वेयर है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारा एक फीड शूट लगा हुआ है, फीड शूट के पास देखिए लोडिंग स्कर्ट्स हैं, फिर ये ट्रफिंग कैरिंग आइडलर्स हैं, ये कन्वेइंग बेल्ट है, उधर डिस्चार्ज शूट हमें दिखाई दे रहा है, इधर हेड पुली एंड ड्राइव, ये वर्टिकल ग्रेविटी टेकअप पुली है, रिटर्न आइडलर्स हैं, ये कैरिंग आइडलर्स हो गए थे, क्लोजली स्पेस्ड आइडलर्स एट लोडिंग पॉइंट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, फिर ये हमारी स्नप पुली और ये हमारी टेन पुली। तो ये एक
कोई भी कंपोनेंट्स हैं किसी भी टिपिकल बेल्ट कन्वेयर के। ये हो गया हमारे बेल्ट कन्वेयर, तो इसमें हमें दिख रही है ट्रफिंग एंगल दिखाया गया है, ट्रफिंग या फिर कैरिंग आइडलर्स जो होते हैं वहाँ पर ये जो एंगल मेक कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज द ट्रफिंग एंगल। नीचे देखिए रिटर्न आइडलर्स दिख रहे हैं जो रिटर्न बेल्ट को सपोर्ट करते हैं, ये हमारा सपोर्टिंग फ्रेम है और ये है हमारा एंगल जो दे रखा है वो 20, 35 या 45 डिग्री के बीच में होता है। ये जहाँ पर कवर रिक्वायर्ड रहता है, खुला बेल्ट कन्वेयर नहीं यूज़ हो सकता है वहाँ पर ये कवर भी हम यूज़ करते हैं। हाउ कन्वेयर्स फंक्शन, इस तरीके से कन्वेयर फंक्शन करता है, जो मटेरियल होता है मटेरियल फॉल्स ऑन द मूविंग बेल्ट दैट कैरीज इट अलॉन्ग। जो मटेरियल होता है वो बेल्ट के ऊपर गिरता है और बेल्ट के साथ साथ आगे चलता जाता है। रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस फ्रेम एंड स्ट्रक्चर टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल ओवर द रूट। एक कंटिन्यूस फ्रेम की इसे ज़रूरत रहती है और एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत रहती है जो कि मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे रूट पे अलॉन्ग द रूट। फिर कन्वेयर बेल्ट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले है कारकास या फिर बैकबोन ऑफ द बेल्ट। जो कारकास होती है ये बैकबोन ऑफ द बेल्ट होती है, वोवन फैब्रिक और मटेरियल्स फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कारकास का मटेरियल होता है वो वोवन फैब्रिक होता है या फिर मटेरियल फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम इसे कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ये मटेरियल होता है। कारकास इज देन कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ रबर। फिर कारकास को हम थिन लेयर ऑफ रबर से, बहुत ही पतली लेयर होती है रबर की, उससे कवर कर देते हैं। टाइटनर्स आर इंस्टॉल्ड टू मेंटेन टेंशन ऑन द बेल्ट इवनली। बेल्ट पे टेंशन को मेंटेन करने के लिए टाइटनर्स को इंस्टॉल किया जाता है। आइडलर्स सपोर्ट्स द बेल्ट एंड मटेरियल लोड। जो आइडलर्स होते हैं वो बेल्ट को सपोर्ट करते हैं और मटेरियल लोड को भी बेयर करते हैं। फिर है बिल्ट विद शाफ्ट सराउंडेड बाय बियरिंग्स। इसमें शाफ्ट्स होती हैं जो कि सराउंडेड बाय बियरिंग्स होती है, देन रोल ऑफ स्टील और रबर। टू मेन टाइप्स होते हैं आइडलर्स के, कैरिंग फॉर मटेरियल एंड बेल्ट, रिटर्न सपोर्ट बेल्ट ऑन द रिटर्न ट्रिप। ऊपर वाले जो होते हैं वो कैरिंग रोलर्स होते हैं जो कि बेल्ट को सपोर्ट करते हैं मटेरियल के साथ, और जो रिटर्न वाले आइडलर्स होते हैं वो बेल्ट को सपोर्ट करते हैं व्हेन द बेल्ट इज ऑन द रिटर्न ट्रिप। कैरिंग आइडलर्स यूजुअली ट्रफर्ड विद 3 equal size rollers ऑन अ फ्रेम विन इन माइनिंग एप्लीकेशन। माइनिंग एप्लीकेशन में 3 rollers एक साथ लगे रहते हैं, सेंटर वन एंड द साइड वाले। सम सस्पेंडेड कैटनरी सिस्टम्स हैं 5 rollers और कुछ सस्पेंडेड जो कैटनरी सिस्टम्स होते हैं उसमें 5 rollers भी देखे जाते हैं। ट्रफ्स यूजली 20, 35 and 45 degrees, जो ट्रफिंग एंगल होता है वो 20, 35 या 45 degrees का होता है। डीपर ट्रफ मोर वॉल्यूम, जितना ज़्यादा डीपर होगा ट्रफ उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा बेल्ट का। रिक्वायर्स थिनर बेल्ट टू ले इन ट्रफ विच लिमिट्स द स्ट्रेंथ। 35 कॉमन चॉइस फॉर माइनिंग, जो भी माइनिंग मटेरियल होता है उसमें हम जो हमारा ऑप्टिमाइज एंगल है वो 35 डिग्री का हम चूज़ करते हैं। ये हैं कैरिंग आइडलर्स, ये देखिए फ्लैट आइडलर्स दिख रहे हैं, ये रबर और डिस्क रिटर्न्स, शैलो ट्रफ, सेल्फ अलाइनिंग ट्रेनिंग, डीप ट्रफ, कैटनरी स्पाइरल, कुशन इम्पैक्ट पेकिंग, ये हैं वेरियस टाइप्स ऑफ आइडलर्स। रिटर्न आइडलर्स यूजली फ्लैट एंड वन पीस, जो रिटर्न आइडलर्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं और वन पीस होते हैं, जैसे कैरिंग आइडलर्स में हमने देखा कि 3 piece या 5 piece होते हैं। समटाइम्स 2 piece V belt फॉर बेल्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स कीपिंग इन लाइन इन ट्रफ। ट्रेनिंग अगर वी बेल्ट ट्रेनिंग है तो उसमें 2 piece rollers भी देखने को मिलते हैं। स्पायरल रोल टू सेल्फ एंड बेल्ट क्लीन, स्पायरल रोल्स जो होते हैं वो सेल्फ और या फिर बेल्ट क्लीन के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, जिससे कि बेल्ट क्लीन हो जाती है। स्पेशलिटी आइडलर्स इम्पैक्ट आइडलर्स फॉर टेकिंग मटेरियल ड्रॉपिंग ऑन टू द बेल्ट। इम्पैक्ट आइडलर्स जो होते हैं वो उस जगह पर इंस्टॉल्ड होते हैं जहाँ पर भी डिस्चार्ज शूट होता है, डिस्चार्ज नहीं, जहाँ से मटेरियल हमारा इनपुट हो रहा है बेल्ट पे, वो है हमारा वहाँ पर हमारे इम्पैक्ट आइडलर्स को इंस्टॉल हम करते हैं। बेल्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मीन्स कीपिंग इन लाइन इन ट्रफ। बेल्ट ट्रेनिंग में भी इसे यूज़ में लिया जाता है स्पेशल आइडलर्स।
पुली, पुली जो होती है सबसे पहले हेड पुली जो कि टर्न्स बेल्ट बैक अराउंड टू रिटर्न मे बी कपल टू ड्राइव, जो हेड पुली होती है वो ड्राइव से कपल रहती है। टेल पुली होती है जहाँ पर हमें अनलोड करना है मटेरियल को, और ड्राइव पुली होती है जो कपल टू मोटर पुल्स द बेल्ट यूजुअली स्पेशल ग्रिप सरफेस, जो ये मोटर से कपल्ड होती है और ये बेल्ट को पुल करती है। ये कन्वेयर के पार्ट्स हो गए जो कि हमने ऑलरेडी देखा अभी। ये देखिए सिंगल हेड ड्राइव हो गई, इसमें हमें दिख रहा है ग्रेविटी काउंटर वेट टेकअप वाली, ग्रेविटी टेकअप पुली दिख रही है। ऊपर देखिए वो स्नब पुली है, वहाँ पर हमें वार्प एंगल दिख रहा है, रैप एंगल। और यहाँ देखिए डुअल हेड पुली दिख रही है हमें, पुली ड्राइव अरेंजमेंट है किसी भी पुली का। ये स्नब पुली, ये रैप एंगल दिख रहा है हमें, ये सेकेंडरी ड्राइव हो गई और ये पर प्राइमरी ड्राइव हो गई। वो हो गई हमारी सिंगल हेड ड्राइव। ये नीचे वाला जो हमारे फिगर दिख रहा है वो हमें डुअल हेड ड्राइव का दिख रहा है। ये भी सेम वही फोटो दिखाई गई है पुलिस। अब पुलिस में आती है स्नब पुली, ये यूजुअली यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट एंड इंक्रीज द कॉन्टैक्ट एंगल विद द ड्राइव पुली। इसे यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बेल्ट का और कॉन्टैक्ट एंगल को इंक्रीज करने के लिए विद द ड्राइव पुली। टेकअप पुली यूज टू मेंटेन टेंशन ऑन द बेल्ट लेफ्ट लूज इनफ फॉर सम फ्लेक्सिबिलिटी। टेकअप पुली जो होती है वो उसका यूज़ किया जाता है टेंशन को मेंटेन करने के लिए, जिसको हमने लूज करके रखा था बेल्ट को, ताकि हमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। ड्राइव पुली, पुली शुड बी लार्ज इनफ टू अवॉइड टू हार्ड बेंड एट पॉइंट ऑफ टेंशन एप्लीकेशन। पुली जो होती है हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि हार्ड बेंड नहीं हो टेंशन एप्लीकेशन पे। पुली शुड हैव ग्रैब, मोर ग्रैब होना चाहिए और लेस टेंशन होना चाहिए। प्लीज़ ड्राइव इन प्रैक्टिकल लोकेशन टू मिनिमाइज द हाइएस्ट टेंशन इन द बेल्ट। प्रैक्टिकल लोकेशन पे ही हमें ड्राइव को इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि हमें हाइएस्ट टेंशन को मिनिमाइज किया जा सके। वर्किंग, वैन द पावर इज अप्लाइड टू द ड्राइव पुली बेल्ट स्टार्ट्स रोटेटिंग। जब हम पावर अप्लाई करते हैं ड्राइव पुली पे तो बेल्ट जो है वो रोटेटिंग या घूमने लगती है। स्नबर मेंटेन्स द कॉन्टैक्ट ऑफ द बेल्ट विद द पुली, जो स्नबर होता है वो बेल्ट और पुली के कॉन्टैक्ट को मेंटेन रखता है। बेल्ट मूव्स ऑन द आइडलर्स इन द डायरेक्शन फ्रॉम फीट टू डिस्चार्ज, जो बेल्ट होती है वो आइडलर्स पे मूव करती है फीट से डिस्चार्ज की तरफ। अमाउंट ऑफ द मटेरियल डिलीवर डिपेंड्स अपॉन द विड्थ एंड द स्पीड ऑफ द बेल्ट, जो मटेरियल जो भी डिलीवर हो रहा है बेल्ट के थ्रू वो डिपेंड करेगा कि बेल्ट और बेल्ट का विड्थ क्या है और स्पीड क्या है बेल्ट का। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स लाइक कैप कंटेनर्स वायल्स इन ब्लिस्टर, पैकिंग ऑफ टैबलेट्स एंड कैप्सूल स्ट्रिप्स आर मूव्ड ऑन द कन्वेयर। जैसे ब्लिस्टर पैकिंग हम टैबलेट में यूज़ करते हैं, कैप्सूल्स में स्ट्रिप्स में यूज़ करते हैं, जो कि कन्वेयर में यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोजेंजेस, इसमें भी हमारा एप्लीकेशन हो सकता है। फिर हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द बेल्ट कन्वेयर्स। इसमें सबसे पहले मेंटेनेंस इज़ वेरी इजी टू मेंटेन रहता है, अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ साइजेस, अलग अलग साइजेस में हमें इजीली अवेल कर सकते हैं। बेल्ट मेड ऑफ द नियोप्रिन और टेफ्लॉन पॉलीमर, और इसका जो मटेरियल है हमारा कन्वेइंग बेल्ट का वो हो सकता है नियोप्रिन का या फिर टेफ्लॉन पॉलीमर का। डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो हो सकता है हमारा कॉस्टली इंस्टॉलेशन, इसको इंस्टॉल करने में हमें काफ़ी लागत लगती है। बकेट कन्वेयर्स, फिर है हमारी बकेट कन्वेयर्स। इसका प्रिंसिपल है हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड और वर्टिकली प्लेस्ड मोटर ड्रिवन चेन कैरिंग बकेट्स कन्वे द सॉलिड मटेरियल फ्रॉम फीड पॉइंट टू डिस्चार्ज पॉइंट। जो बकेट कन्वेयर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड या फिर वर्टिकली प्लेस्ड होते हैं, जो कि मोटर ड्रिवन होते हैं। चेन कैरिंग ये बकेट्स होती हैं इसमें, जो कि सॉलिड मटेरियल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डिस्चार्ज करती हैं। फिर है कंस्ट्रक्शन, बकेट्स आर यूज फॉर लोडिंग द मटेरियल, बकेट्स आर मेड अप ऑफ आयरन और स्टील। जो बकेट्स होती हैं वो लोडिंग मटेरियल के लिए यूज़ में ली जाती हैं, और बकेट्स जो होती हैं वो आयरन या फिर स्टील की बनी होती हैं। बकेट्स आर अटैच टू द बेल्ट और चेन, और चेन जो बकेट्स हैं हमारी वो बेल्ट या फिर चेन पे अटैच्ड होती हैं। बकेट्स आर स्पेस टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस,
बकेट्स जो होती हैं एक एक दूसरे से दूर ही उनको अटैच किया जाता है, जिससे कि इंटरफेरेंस को रोका जा सके। ये एक सिंपल बकेट कन्वेयर का हमारा फोटोग्राफ दिखाई देता है, जिसमें हमें नीचे दिखती है यहाँ से मटेरियल फीड हो रहा है, इसे बूट कहते हैं, और ये दोनों पुलिस पे ही है, चेन माउंटेड है, बेल्ट्स चेन हो सकती है या फिर बकेट बेल्ट भी हो सकती है, उस पर हमारी ये बकेट्स माउंटेड है। ये बेल्ट और चेन दिखाई दे रही है, ये पूरा केसिंग है बकेट्स माउंटेड, और ये ऊपर हमें डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है। वेट ऑफ द मटेरियल्स इन कन्वेयर्स रिजल्ट इन स्ट्रीचिंग ऑफ चेन। जो मटेरियल का वेट होता है कन्वेयर में, उससे हमें स्ट्रीचिंग देखने को मिलती है चेन्स में। एट द फुट ऑफ द एलिवेटर द स्ट्रक्चर नोन एज बूट इज़ यूज फॉर फीटिंग। और जो एलिवेटर का जो फुट होता है उस पर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बूट, जिससे हम फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। बकेट्स आर सम टाइम्स क्लोज इन केसिंग। जो बकेट्स होती हैं वो कभी कभी केसिंग में भी क्लोज की जाती हैं। वर्किंग, लोडिंग कैन बी डन बाय द फ्लो ऑफ मटीरियल थ्रू शूट इन टू बकेट्स। जो लोडिंग होती है उसको हम फ्लो ऑफ मटीरियल से भी, थ्रू शूट्स, शूट्स के थ्रू मटेरियल को फ्लो करके हम बकेट्स में, बकेट्स के थ्रू भी लोडिंग कर सकते हैं। और ये जो हमारी बकेट्स होती हैं इनको डिस्चार्ज किया जाता है किसी भी पॉइंट पे बाय क्रिपिंग डिवाइस। एप्लीकेशन हो गया इसका ग्रेन या फिर कोल ट्रांसपोर्ट। स्क्रू कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर्स, इसमें कंपोनेंट होता है हमारा चॉप सिस्टम, फ्लाइट्स एंड पावर सप्लाई, फीडिंग अरेंजमेंट और डिस्चार्ज अरेंजमेंट। प्रिंसिपल हो गया इसका हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड और वर्टिकली प्लेस्ड मोटर ड्रिवन स्क्रू लाइक फ्लाइट कन्वेज द मटेरियल इन ट्रक फ्रॉम डिस्चार्ज। हॉरिजॉन्टली हो सकता है, इंक्लाइंड हो सकता है, हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड हो सकता है या फिर वर्टिकली प्लेस्ड हो सकता है। जो मोटर ड्रिवन स्क्रू लाइक फ्लाइट कन्वेज, कन्वे फ्लाइट होते हैं जो कि कन्वे करते हैं मटीरियल को ट्रक से डिस्चार्ज, इन द ट्रक फ्रॉम द डिस्चार्ज। कंस्ट्रक्शन, ट्रफ जो होता है वो यू शेप्ड वेसल होता है इन विच द मटेरियल इज़ इनक्लोज्ड फॉर कन्वेइंग। यू शेप्ड वेसल में मटेरियल को हम डालते हैं जिससे कि वो कन्वे होता है। स्क्रू एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ स्पायरल ब्लेड कॉल्ड फ्लाइट। जो स्क्रू एलिमेंट होता है वो स्पायरल ब्लेड होती है जिसे फ्लाइट कहते हैं। फ्लाइट टू द सेंट्रल शाफ्ट, शाफ्ट इज कनेक्टेड टू बीवल। ये हो गया हमारा स्क्रू कन्वेयर। स्क्रू कन्वेयर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमारा फीड हो गया, फीड ये पूरा नीचे, ये पूरा हमारा फ्लाइट है। हेलिकॉइड स्क्रू अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, ये क्लोजर है, वहाँ पर हमें बिन दिखाई दे रहा है डिस्चार्ज एंड, और ये यू शेप ट्रफ दिखाई दे रहा है, ये सोर्स ऑफ पावर बीवेल गियर, जो कि ये सोर्स ऑफ पावर हमारा मोटर ड्रिवन हो गया। इस तरीके से ये एक स्क्रू कन्वेयर है। वर्किंग, व्हेन पावर इज अप्लाइड द ड्राइव रोटेट्स विच फ्लाइट टू रोटेट। जो पावर, जब भी हम पावर अप्लाई करते हैं तो फिर वो रोटेट करेगी फ्लाइट को, जिससे कि आगे मटेरियल हमारा आगे कन्वे होता जाता है। फीड इज़ नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय स्पाउट, स्पाउट से हम फीड को अंदर लेते हैं। मटेरियल इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द गैप्स ऑफ द स्पायरल ब्लेड्स। जो मटेरियल होता है वो गैप्स के इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द गैप्स ऑफ द स्पायरल ब्लेड। जो स्पायरल ब्लेड के गैप्स होते हैं उसमें मटेरियल ट्रैप होता है। एप्लीकेशंस, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स के लिए यह एप्लीकेशन में लिया, यूज़ लिया जाता है। लाइट वेट एब्रेसिव्स में डिफरेंट कंस्ट्रक्शन अवेलेबल फॉर वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। एनवायरमेंट रिमेन डस्ट फ्री एज इट इज़ अ क्लोज सिस्टम। इसमें कोई डस्ट का अंदर आने का कोई चांस नहीं होता क्योंकि ये क्लोज सिस्टम होता है। और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन अवेलेबल है यहाँ पर अलग अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल के लिए। फिर आता है न्यूमैटिक सिस्टम। न्यूमैटिक कन्वेयर है एयर्स, एयर सप्लाई, एयर स्लाइड एंड पाइपलाइंस, फीड और डिस्चार्ज, ये एक न्यूमैटिक कन्वेयर के कंपोनेंट्स हो गए। तो प्रिंसिपल क्या है, जब व्हेन हाई वेलोसिटी इज पास थ्रू अ बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर ड्रैग्ड बाय द एयर एंड सस्पेंडेड इन द एयर। जब भी हाई वेलोसिटी ऑफ एयर एयर पास की जाती है किसी भी सॉलिड बेड के पार्टिकल्स पे, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर से खींचे चले जाते हैं और हवा में तैरने लगते हैं, जिसे कहते हैं फ्लूडाइज्ड बेड। जो सस्पेंशन होता है वो बिहेव्स लाइक द डेंस फ्लूइड एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड। जो सस्पेंशन जो है वो डेंस फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, एक्ट करने लगेगा और उसको हम आगे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
सॉलिड कैन बी रिकवर्ड एट द डिस्चार्ज एंड, और जो सॉलिड होता है उसको हम डिस्चार्ज एंड पे रिकवर कर सकते हैं। ये एक न्यूमेटिक कन्वेयर दिखाई दे रहा है जिसमें एक एयर पंप होता है, ये ब्लोअर है, ये पाइपलाइन है, पाइपलाइन में एयर कन्वे होती है, ऊपर साइलो है, साइलो से हमें मटेरियल आता दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ है, ये बिन है, साइक्लोन सेपरेटर ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, एक और बिन, बिन की तरफ जाता हुआ ये डस्ट कलेक्टर है जो कि बैग फिल्टर जिसे हम कहते हैं, और ऊपर हमें एग्जॉस्ट नज़र आता है, यहाँ से एयर आउट हो जाती है। कंस्ट्रक्शन, फैंस और साइक्लॉइड ब्लोअर आर कनेक्टेड टू कन्वेइंग सिस्टम्स। जो फैंस होते हैं या फिर साइक्लॉइड ब्लोअर्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं कन्वेइंग सिस्टम पे, एयर पासिस थ्रू द पोरस स्पेस, जो एयर होती है वो पोरस स्पेस से पास होती है, फीड इज कनेक्टेड टू द एयर स्लाइड थ्रू वॉल्व, और जो फीड होती है वो एयर स्लाइड से कनेक्टेड होती है वॉल्व के थ्रू, द अदर एंड इज कनेक्टेड टू साइक्लोन सेपरेटर, और जो दूसरा एंड होता है वो साइक्लोन सेपरेटर से कनेक्टेड होता है। वर्किंग, ब्लोअर प्रोड्यूसेस द एयर एट प्रेशर ऑफ अबाउट 7 kPa, एयर पासिस एट अ रेट ऑफ 1.5 m/min, और सॉलिड गेट सस्पेंडेड इन द एयर स्ट्रीम, और ये फ्लूडाइज स्टेट में आ जाता है, अ मटीरियल देन एंटर्स द सेपरेटर, और गैस कैन बी रिसाइकल टू द ब्लोअर। एप्लीकेशंस जो हैं इसकी वो फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पाउडर, बल्की ग्रेन्स, पॉइजनस कॉन्टैक्ट, फिर पॉइजनस कंटेंट और पैलेट्स, इकोनॉमिकल होता है ये, और ये लो फ्रिक्शन होता है। कुछ हैवी ड्यूटी रोलर्स भी होते हैं जो कि हैवी ड्यूटी रोलर्स यूज़ लिए जाते हैं, जिसमें हमारा वेट एटलीस्ट जो होता है 230 kg से लेकर के 250 kg तक का हमारा अगर वेट कन्वे करना चाहते हैं तो हम हैवी ड्यूटी रोलर्स का यूज़ लेते हैं। इस टाइप के जो कन्वेयर्स होते हैं वो हैंडलिंग को बहुत ही ईजी बना देते हैं, जिससे कि हमारा इक्विपमेंट या फिर प्रोडक्ट्स जो होता है ईजिली हम उसको कन्वे कर पाते हैं, और टाइम इफ़ेक्टिव भी होता है। मैनी ऑफ द हैवी ड्यूटी रोलर्स जो हमें देखने को मिलते हैं, हैवी ड्यूटी रोलर कन्वेयर्स जो होते हैं उसको हम एज़ फास्ट एज मूव कर सकते हैं 23 m/min की स्पीड से। कुछ और भी हैवी ड्यूटी रोलर कन्वेयर्स होते हैं जो कि हो सकते हैं हमारे ग्रेविटी रोलर्स कन्वेयर्स हो सकते हैं, चेन ड्रिवन लाइव रोलर कन्वेयर्स हो सकते हैं, फिर पैलेट एक्यूमुलेशन कन्वेयर्स हो सकते हैं, मल्टी स्ट्रैंड चेन कन्वेयर्स, या फिर चेन और रोलर ट्रांसफर्स हो सकते हैं। जो ग्रेविटी रोलर कन्वेयर्स होते हैं वो ईजी टू यूज़ और होते हैं, और उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि ऑटोमोटिव या फिर रिटेल इंडस्ट्रीज़ में भी इनका यूज़ होता है। जो चेन ड्रिवन लाइव रोलर कन्वेयर्स हैं ये सिंगल और बाई डायरेक्शनल मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, बहुत ही बड़े और हैवी लोड्स को इनसे मूव किया जाता है बाय चेन ड्रिवन या फिर लाइव रोलर कन्वेयर्स के थ्रू। पैलेट एक्यूमुलेशन कन्वेयर्स जो होते हैं ये पावर्ड होते हैं थ्रू अ मैकेनिकल क्लच, किसी भी मैकेनिकल क्लच के थ्रू ये पैलेट एक्यूमुलेशन कन्वेयर्स पावर्ड होते हैं, और इनका यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें इंडिविजुअली पावर्ड या फिर कंट्रोल्ड सेक्शन ऑफ कन्वेयर्स का यूज़ होता है। मल्टी स्ट्रैंड जो चेयर कन्वेयर्स हो सकते हैं ये होते हैं डबल पिच रोलर चेन्स की तरह यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट्स दैट कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम अ ट्रेडिशनल रोलर कन्वेयर कैन बी मूव्ड बाय मल्टी स्ट्रैंड चेयर कन्वेयर्स। जो प्रोडक्ट्स हमें सिंगल ट्रेडिशनल रोलर्स से, जो भी ट्रेडिशनल रोलर्स हैं उससे अगर हम नहीं मूव कर पाते हैं तो हम उन्हें मल्टी स्ट्रैंड चेन कन्वेयर से यूज़ करते हैं। और जो हमारा चेन और रोलर कन्वेयर्स होते हैं ये शॉर्ट रन्स होते हैं ऑफ टू अ मोर स्ट्रैंड्स ऑफ डबल पिच चेन कन्वेयर्स बिल्ट इनटू अ चेन ड्रिवन लाइन रोलर कन्वेयर, और इसका जो होता है ये जो कन्वेयर्स होते हैं दीज पॉप अप अंडर द लोड एंड मूव द लोड ऑफ द कन्वेयर। ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमारे कन्वेयर्स जो हैं वो काम करते हैं। जो भी मटेरियल हैंडलिंग है ये शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट होता है विद इन द कन्फाइन ऑफ अ बिल्डिंग और बिटवीन द बिल्डिंग और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। ये बिल्डिंग मतलब कि जहाँ से हमें मटेरियल को उठाना है और जहाँ पर उसको कन्वे करना है, तो इस तरीके से हम किसी भी कन्वेइंग इक्विपमेंट से मटेरियल हैंडलिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं।
तो एक कुछ हमारे ये जो कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं इसमें कुछ कुछ हमें देखा गया है कि जो कन्वेइंग जो सिस्टम होते हैं ये बहुत ही तरीके से अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि हमें फ्लोर या फिर ओवरहेड। कुछ तो ज़मीन पे चलते हैं कन्वेइंग सिस्टम जिसे हम ज़मीन टू ज़मीन ट्रांसफ़र करते हैं, और कुछ को हम ओवरहेड भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो चेन कन्वेयर्स होते हैं वो फ्लोर और ओवरहेड दोनों होते हैं, और हमारे जो चेन कन्वेयर्स होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं एनक्लोज ट्रैक्स से आई बीम, टो लाइन, पावर और फ्री एंड हैंड पुश ट्रॉलीज इसमें होती हैं। दैट्स ऑल अबाउट कन्वेयर्स। थैंक यू।